रोरे मन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो आज कर जो हम जानकारी लेके आए ही वो है सोयाबीन कर वैज्ञानिक खेती और उन्नत प्रभेद कर बारे में। सोयाबीन की बुआई जून के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाती है, ऐसे में सोयाबीन की बम्पर पैदावार के लिए किसानों को इसकी उन्नत किस्में और बुआई के सही तरीके की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। सोयाबीन के किसानों को अच्छे भाव मिलते हैं क्योंकि सोयाबीन से तेल समेत कई चीज़ें बनाई जाती हैं। आप सभी जानते हैं झारखंड का ये जो धरती है, यहाँ का जलवायु है और ये जो खरीफ मौसम है, ये सोयाबीन विशेष करके सब्जी सोयाबीन के खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो सब्जी सोयाबीन की खेती के लिए हमारा जो ज़मीन का तैयारी करना है वो है अच्छा तरह से 3-4 बार जुताई करके कैरी बना के हम सब्जी सोयाबीन का बुआई करते हैं। तो ये जब ज़मीन हम तैयारी करते हैं तो उसमें 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टर के दर से सड़ी हुई गोबर की खाद का हम प्रयोग करते हैं और 45 किलोग्राम यूरिया और 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 70 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टर के दर से हम बुआई से पहले मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देते हैं और फिर बुआई के करीब करीब 25 से 30 दिन बाद फिर हम 45 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग ट्रॉप ड्रेसिंग के रूप में करते हैं जाड़ों के पास। सोयाबीन की फसल की बुआई में सबसे पहला काम होता है जमीन का चुनाव, यानी कौन सी मिट्टी में सोयाबीन की खेती करनी चाहिए। रेतीली या दोमट जिस तरह की मिट्टी में जैविक कार्बन की खेती होती है उस जमीन में सोयाबीन का बढ़िया उत्पादन मिलता है। जिस जमीन में सोयाबीन की लगातार खेती की जाती है उस खेत में कम से कम 2-3 साल में गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। तो मेड़ से मेड़ की दूरी मैंने लाइन से लाइन की दूरी कितना रहेगा ना, करीब 1.5 फीट मैंने 45 सेंटीमीटर। और जो मेड़ में जब हम बीज का बुआई करेंगे तो बीज से बीज की दूरी हम रखेंगे 1 फीट मतलब 30 सेंटीमीटर। तो इससे पौधा का अच्छा वृद्धि विकास होती है और 1 हेक्टर खेती के लिए करीब करीब 60 से 65 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है और बीज को उपचार करके ही बुआई करना चाहिए क्योंकि बरसात का मौसम है, जैसे फफूंद से हमारा बीज जो अंकुरित होता है उस समय कोई बीमारी ना लगे, इसी के लिए हम बीज को उपचार करते हैं। जैसे पौधा बढ़ने लगते हैं और आजकल तो जैसे ऊंचा बेड में और प्लास्टिक मल्च लगा के उसमें हम खेती कर सकते हैं जो आधुनिक तरीक़ा से, और ऐसे भी जो लोग खेती करते हैं तो उसमें खरपतवार मैंने घास पात को निकालना है तो पहला जो घास पात निकालने के समय 10 से 15 दिन बुआई के बाद, फिर 25 से 30 दिन बाद फिर हम दोबारा निकाई गुड़ाई करके फिर जैसे मैंने बताया था पहले ये 45 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर के दर से ट्रॉप ड्रेसिंग के रूप में हम जड़ों के पास प्रयोग करते हैं, उसके बाद फिर मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो ये जो वैरायटी है सरना वसुंधरा, इसका दाना पीला रंग का होता है, बड़े आकार के होते हैं, तो हरा दाना को हम सब्जी के रूप में खाते हैं। तो ये जो सरना वसुंधरा का जैसे हम बुआई करते हैं मध्य जून से मध्य जुलाई इवन अगस्त तक हम कर सकते हैं और करीब 40 से 50 दिन में इसमें फूल आ जाता है। उसके बाद बुआई से करीब करीब 75 से 80 दिन में पहला तुड़ाई हरा फली का शुरू हो जाता है, फिर करीब करीब आपका 80 से 90 दिन में ख़त्म हो जाता है और पक्का दाना करीब 100 दिन के बाद दाना पक के तैयार हो जाता है।